यहाँ पे आप मेरे हेयर देख लीजिए कैसे खुले खुले और एकदम फ्रेश लग रहे हैं। एक एक बाल ऐसे एकदम खुल गया है। यहाँ पे हमने बनाया है DIY स्कैल्प स्क्रब, और ये जो स्क्रब है इतना अमेजिंग है कि आपके हेयर आपको थैंक यू बोलने वाले हैं। यस, आपके हेयर आपको थैंक यू बोलने वाले हैं। ऐसा ही स्क्रब बनने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं DIY स्कैल्प स्क्रब, और ये जो स्क्रब है इसके हम पहले बेनिफिट्स देख लेते हैं, और उसके बाद हम इसको बनाएंगे, और उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे, और फिर लास्ट में इसका रिजल्ट देखेंगे। वैसे रिजल्ट तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। तो यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन कर रही हूँ मैं, और कमेंट करके मुझे प्लीज जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके सजेशंस चाहिए। क्या आपको मेरे वीडियो से आपके हेयर की प्रॉब्लम सोल्व हो रही है या नहीं, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपकी और कोई प्रॉब्लम है और ये सोल्व नहीं हुई है आज तक, तो यहाँ पे ये भी मुझे बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उस हिसाब से भी आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी, और उस वीडियो में आपके कमेंट को भी मैं शो करूंगी कि यहाँ पे इस पर्सन को ये रेमेडीज की जरूरत थी और उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो यहाँ पे मेरे आप सब्सक्राइबर्स हो, मेरे आप व्यूअर्स हो, तो आपको मेरे वीडियो में जगह तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि आप लोग डिजर्व करते हो और आप लोगों की वजह से ही तो मेरा चैनल है। तो थैंक्स अ लॉट, और इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे हम लोग DIY जो स्कैल्प स्क्रब है, तो इसके हम बेनिफिट्स देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है और हमें इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। तो DIY स्क्रब जो हमारा है, स्कैल्प के लिए हम जो अप्लाई करेंगे, ये जो स्क्रब है ना, ये आपके हेयर ग्रोथ को बूस्ट करेगा। कैसे हेयर ग्रोथ को कैसे बूस्ट करेगा? हर चीज में तो हेयर ग्रोथ तो आता ही है, ऐसा नहीं है। हेयर ग्रोथ को बूस्ट करेगा कैसे, मैं आपको बताती हूँ। हेयर ग्रोथ जिसकी एक लेंथ के बाद रुक जाती है हेयर ग्रोथ, और फिर आगे हेयर ग्रोथ नहीं होते हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसे प्रॉब्लम हो रही होगी, तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि जो क्यूटिकल्स होते हैं ना, वहां पे ब्लॉकेज आ जाता है, और वो ब्लॉकेज की वजह से वहां पे आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो रुक जाती है। आप जो ऑयल डालते हो, सीरम डालते हो, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो अंदर तक जा ही नहीं पाता है, उसके रूट को ही ब्लॉक कर दिया है, तो कहां से जाएगा? बोलोगे हम लोग तो शैम्पू करते हैं, कंडीशनर करते हैं, तो रिमूव तो हो जाता होगा ना? नहीं, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल शैम्पू है ना, वो हमारे ये ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। उसके लिए हमें कोई भी एक ऐसा स्क्रब चाहिए जो हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाए, हमारे रूट को स्ट्रॉन्ग करे, और ये हमारे रूट के अंदर जो इम्प्यूरिटी लगी हुई है उसको रिमूव करने में भी वो हेल्प करे। तो यहाँ पे आज इसीलिए हम ये स्कैल्प स्क्रब बनाने वाले हैं। तो ये स्क्रब आपके रूट के जो ब्लॉकेज है उसको रिमूव करेगा, तो उससे बेनिफिट ये मिलेगा, जो ऑयल अप्लाई करते हो, टॉनिक अप्लाई करते हो, सीरम अप्लाई करते हो अपने हेयर ग्रोथ के लिए या हेयर फॉल के लिए, जो अभी आप प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं वो, तो यहाँ पे उस सब चीजों के लिए अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये सब चीजें कर रहे हो फिर भी, तो आप समझ लीजिए कि आपके रूट ब्लॉक हो चुके हैं। तो उसको निकालने के लिए, उस ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए हमें स्कैल्प स्क्रब करना जरूरी है। तो यहाँ पे वीक में एक बार बस हमें यहाँ पे ये स्कैल्प स्क्रब करना है। तो ये हमने बेनिफिट बता दिए। तो ये जैसे ही आप ये ब्लॉकेज रिमूव होंगे, वैसे ही तुरंत आपके हेयर ग्रोथ भी होंगे, आपके हेयर फॉल स्टॉप भी होंगे, क्योंकि आप जो रेमेडीज यूज करते हो डीपली, वो अंदर तक आपके रूट में जाती है, आपका जहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है वहां तक जाती है, और आपके प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। तो इसी बात पे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर यहाँ तक आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अभी हम बनाएंगे हमारा स्कैल्प स्क्रब, और इसके लिए हमें जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स चाहिए, यहाँ पे मैंने लिया है बेसन। बेसन आप सबको पता है कि वो एक फेस क्लींजर की तरह यूज कर सकते हैं, इसको हेयर क्लींजर की तरह यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही अमेजिंग होता है हमारे हेयर के लिए और हमारे हेयर के स्कैल्प को क्लीन करने के लिए। इवन ये जो स्क्रब है ना, ये आपके डैंड्रफ को रिमूव करने में भी हेल्प करेगा। यस, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो चुकी है, डैंड्रफ रिमूव नहीं हो रहा है, तो वहां पे भी आपको ये स्क्रब बहुत ही हेल्प करने वाला है। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आएगा, यहाँ पे लिया है हमने कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर यहाँ पे हमें 2 स्पून लेना है, और कॉफी के अंदर आपको पता है कि कैफीन रहता है, नाइट्रो ऑक्साइड रहता है, जो हमारे स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन फास्ट करने में, हमारे जो ब्लॉकेज है हमारे रूट में, जो पॉल्यूशन वगैरह जो भी चीजें जम चुकी है उसको इजिली रिमूव करता है। तो यहाँ पे कॉफी पाउडर हमारे
हमारे जो ब्लॉकेज आ गई है रूट्स में उसको रिमूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आएगा, यहाँ पे लिया है हमने शुगर। शुगर यहाँ पे हमें 2 स्पून लेना है और शुगर के अंदर भी ऐसी प्रॉपर्टीज रहती है जो हमारे स्कैल्प को एकदम क्लीन करता है और हेयर को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है। जब आप हेयर वॉश करोगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा, इतना अच्छा आपको लगेगा ये स्क्रब अप्लाई करने के बाद कि हम स्क्रब को स्कैल्प में अप्लाई करेंगे लेकिन उसका जो रेमेडीज हेयर वॉश करोगे वो पूरा आपका लेंथ में भी आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो शुगर आपके स्कैल्प में स्क्रबिंग इफेक्ट लाएगा साथ साथ में, तो और ये आपके हेयर को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाएगा। तो अभी यहाँ पे ये हमारा स्कैल्प स्क्रब रेडी हो चुका है, लेकिन वीडियो स्किप मत करिएगा क्योंकि इसको अप्लाई करने का तरीका है ना वो अलग है। पानी डाल के सीधा अप्लाई नहीं करना है, इसको अलग तरीके से अप्लाई करना है। तो वेट, तो यहाँ पे अभी इस स्क्रब को हम अपने हेयर में अप्लाई करेंगे। तो इसको हमें सिर्फ स्कैल्प में अप्लाई करना है, तो ऐसे ही हमें ड्राई ही अप्लाई करना है। जहां जहां हम अप्लाई करेंगे तो छोटे छोटे सेक्शन करना है और उसमें आपको रोज वाटर डालना है, क्योंकि इसमें आपको ये जरूरी नहीं है आपके ड्राई हेयर हो, आपके ऑयली हेयर हो, कोई भी हेयर हो आप चलेगा, लेकिन आपको इसको अप्लाई करने के टाइम रोज वाटर स्प्रे करना है आपके स्कैल्प में। फिर वहां पे आपको ये जो हमारा स्क्रब है इसको आपको फिंगर में लेके इसको आपको स्कैल्प में अप्लाई करना है और हल्के हाथ से आपको मसाज करना है। अगर आपके नेल्स है तो थोड़ा सा प्लीज ध्यान रखें क्योंकि आपको लग ना जाए इसलिए, तो हल्के हाथ से हमें इस तरह से मसाज करना है। तो सेक्शन बाय सेक्शन इस तरह से हमें पूरे स्क्रब को अपने स्कैल्प में अप्लाई कर देना है और इस तरह से अप्लाई करिए। फिर उसके बाद पूरे हमारे स्कैल्प में हमें दोनों फिंगर से हमें पूरा मसाज करके इवनली स्प्रेड कर लेना है। तो यहाँ पे ये स्क्रब अराउंड हमें 15 to 20 मिनट्स अपने स्कैल्प में लगा के रखना है। फिर उसके बाद आपको हेयर वॉश कर लेना है और हेयर वॉश के बाद आपने रिजल्ट तो देख ही लिया, मेरे स्कैल्प में और मेरे हेयर में इतने खिले खिले हेयर लगेंगे, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। आप जब हेयर वॉश करोगे ना बहुत ही अच्छा फील होगा, आपको आपके हेयर थैंक यू बोलेंगे कि अरे वाह क्या बात है, आज तो बहुत अच्छा रेमेडीज मिल गया हमें। तो यहाँ पे जितना हम अपने हेयर का केयर करेंगे उतने ही हमें हेयर हमारे हेल्दी मिलेंगे। तो यहाँ पे मुझे भी बहुत सारे लोग, अरे दीदी आपके हेयर बहुत अच्छे हैं, भाभी आपके हेयर बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो अच्छे इसीलिए हैं क्योंकि उसके पीछे हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो इजीली कोई भी चीज हमें अचीव नहीं होती है। हाँ, अगर आप ये सब चीजें नहीं करना चाहते हैं और आपको DIY चीजें ही चाहिए हो, किचन इंग्रेडिएंट्स से ही सब चीजें चाहिए, केमिकल्स नहीं चाहिए, तो आप मेरे ब्यूटीफिक प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। वहां पे आपको मेरा हेयर ग्रोथ पाउडर, हेयर स्पा, इतना अमेजिंग आपको रिजल्ट मिलेगा, आपने ऐसे कभी सोचा नहीं होगा, इतने अमेजिंग है और उसके रिव्यूज भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप मेरा ये वीडियो देख के अगर आप मुझे ऑर्डर करते हो तो आपको मेरे 4 प्रोडक्ट के साथ 1 प्रोडक्ट फ्री भी मिलेगा। तो यहाँ पे इसका जो कूपन कोड है यहाँ पे लिखना है आपको मीनल 20 करके आपको मुझे DM करना है इंस्टाग्राम में, और वहां अगर आप मुझे मीनल 20 लिख के आप मुझे इंस्टाग्राम में आप मुझे DM करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने मेरा ये वीडियो देखा है और ये आपको मेरी ओर से डिस्काउंट रहेगा, क्योंकि आपको 2 बेनिफिट मिल गए ना, आपने मेरा वीडियो देखा और वीडियो से आपको रेमेडीज भी मिला, और आपने मेरा ये वीडियो देखा तो उसकी वजह से आपको मेरे प्रोडक्ट पे आपको डिस्काउंट भी मिला। तो यहाँ पे आप मेरे 4 प्रोडक्ट के साथ 1 प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा। मेरे ऑनलाइन परचेस करने का लिंक जो है ब्यूटीफिक का वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, तो वहां से आप मेरे इंस्टाग्राम में मुझे DM कर सकते हैं। और यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं और भी अमेजिंग वीडियोस, उसको भी आप जरूर देखिएगा और उसको भी आप इतना ही प्यार दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।